आपने मुझे अपनी क्लास एक्टिविटीज भेजी हैं? यस सर, मैं खोल लेता हूँ। इसमें क्या क्लास एक्टिविटीज है कि आपके द्वारा बनाए गए वीडियोस में चुके हैं? मेरे द्वारा भी बनाया हुआ वीडियो है सर, और बच्चे लोग का क्लास में जो एक्टिविटी करवाते हैं उसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ वीडियो। क्या क्या कराए कुछ बताइए सर। ऑन बोर्ड प्रेजेंटेशन कराए हैं सर, BSCIT फर्स्ट ईयर में, BCA एक ही सेकेंड सेम में, और BCOM सिक्स सेम में सर। वो एक ये PDF क्या भेजे हैं आप सर? बच्चों का जो प्लेसमेंट वाला है, प्लेसमेंट का वो है, TCS में जो ऑफर ऑफर लेटर है। अच्छा, बच्चों को सबको एक कार्यक्रम में बुलाना होगा। यस सर, ताकि ये बच्चों का अनुभव जो है, और अभी उनके बैच में कुछ ही बच्चों को मिला, सबको नहीं मिला है, और अभी आ रहा है सर उन लोग का। अच्छा, और आ रहा है अभी? यस सर। इस साल का प्लेसमेंट बहुत मुश्किल होने वाला है। यस सर, आसान कार्य नहीं। क्या पार्टीशन आयुष भारती कौन सा देखे सर, बताइए सर। आयुष भारती प्रेरणा से किसका देखे सर? ये एक स्वाति प्रेरणा सिंह का बेटी, स्वाति सर। प्रेरणा का देखे? यस सर, पेजिंग अजब प्रेरणा का। याद करके बोल रही है क्या? ये देखिए सर, बच्ची जो बोल रही है ऐसा है कि यार मन से बोलती नहीं सर, वो बनाएगी। देखिए मैम, इट द गोल इज ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बाय मिनिमाइजिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इट कैन बी डन इन टू वेज, स्पेशल एंड डी एलोकेशन। ऑफ एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। ठीक है, बच्चा को जो टेक्निकल बात बोलना है कई बार उसको मेमोराइज भी करना पड़ता है। yes. लेकिन कोशिश करिए कि बच्चे अपने कंसेप्ट से बोले, कंसेप्ट से बनाए हैं सर। एक देखिए स्टूडेंट है सर, आयुष भारती। अगर बच्चा हिंदी में भी बोल रहा है जी, हमको शिकायत नहीं है। yes. लेकिन बच्चा अगर अपने कंसेप्ट से बोल रहा है तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है भाई। उसको कभी कभी याद करना पड़ सकता है, गांव से आए जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश में हो सकता है याद करना पड़ जाए, इंग्लिश में थोड़ा। लेकिन मेरा मानना है कि याद करने के बजाय कंसेप्ट का होना जरूरी है। यस सर, AI 1 KB विल बी लेफ्ट। देखिए अभी तो कंसेप्ट से बता दीजिए। हां यस, ऑल द प्रोसेसेस इन द पार्टीशन फॉर P2 1 KB विल बी लेफ्ट। ये तो कंसेप्ट से बता दीजिए। डेफिनेटली ऑल द प्रोसेस इज बीन एलोकेटेड टू द मेमोरी। जो कम्फर्ट लेवल है वो हमसे ज्यादा है। yes. बहुत बढ़िया। और एक आयुष भारती सर देखे। यस सर, स्वाति सिंह, सबने मेरे को सॉल्व किया। आयुष सब गेट लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं, सब गेट के क्वेश्चन बैंक है मेडी जी का, उससे भी करवाते हैं। हेलो सर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस बार बच्चा लोग MCA का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा? यस सर, भरा है। और क्यूएट का भी भरा है, उसमें भी ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आए हैं। किसमें? क्यूएट एक होता है ना सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और मैथ
कब है उन लोग का एग्जाम? एग्जाम हो गया सर, यही TCS का जो टेस्टिंग सेंटर है, TCS आया वहीं पे हुआ। रिजल्ट? रिजल्ट अब आएगा। BCA के 6 सेम के अपना करीब 45 स्टूडेंट MCA का। हाँ बड़े, हमको इस बार MCA एंट्रेंस का डिटेल चाहिए। यस सर, फर्स्ट ईयर। ये आवाज़ साफ नहीं आ रहा है सर, आपने माइक का प्रयोग नहीं किया। थोड़ा वो है माइक का। नहीं नहीं, माइक आपको प्रयोग करना होगा, माइक आप लोग के पास होना चाहिए। ये नहीं करना नहीं, बिल्कुल माइक लीजिए ताकि कोई भी बच्चा अगर वीडियो देख रहा है और सीखना चाह रहा है तो सीख सके ना। तो एक्चुअली सर ये क्या करवाए हैं ना, वीडियो की क्लास इफेक्टेड ना हो तो इन लोग को बोले थे कि बनाकर हमको सेंड कर देना, क्योंकि उनको उसका टाइमिंग कम होता है। माइक दिलाना होगा। अच्छा, माइक बोल देंगे वो लोग को। माइक दीजिए, माइक वापस लीजिए, ये मेरे एब्सेंस में लोग नहीं। अब तो फायदा क्या हुआ, फिर तो आप देखे ही नहीं। नहीं ये देखे हम सर वीडियो। जब आपके एब्सेंस में हो रहा है तो फिर आप तो इसको देखे नहीं, फिर इसमें आप बच्ची को सही गलत सुधारना, सवाल पूछना, फिर ये तो खाली वीडियो मांगना और वीडियो हमको देना वाला काम हो गया। नहीं ये सिस्टम नहीं हम अलाउ कर रहे हैं, ये सिस्टम और कोई भी शिक्षक कर रहे हैं कि बच्चों से वीडियो मांग लिया और फिर उस वीडियो को मेरे को भेज दिया, तो ये अधूरा काम हुआ। क्योंकि इसमें ना तो क्लास देखी, ना क्लास से सवाल जवाब हुआ कुछ आपस में बच्चों का, ना आपका सवाल जवाब हुआ, तो फिर ये प्रेजेंटेशन जो हुआ ये तो बच्चे ने खाली कैमरा को लेके दिया। ये चीज़ कब की जाती है, जब कोई बच्चा अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट सबमिशन करना चाह रहा हो, वीडियो प्रोजेक्ट सबमिशन, जिसमें वो अपने वीडियो प्रोजेक्ट का, सॉफ्टवेयर का, या ऐप का, या वेबसाइट का फीचर सब जो है वो वीडियो पे बना के दिखा करके आपको सबमिट कर दिया, और फिर उसको आप देख करके उसको मतलब अपना फीडबैक दीजिएगा। लेकिन अगर PPT इसी मोड में कराने लग जाएगा कि PPT क्लास के पीछे से होने लग जाए, केवल लेके दो तीन बच्चे का करवाए थे, क्योंकि उसका टाइमिंग पर एग्जाम वगैरह को लेकर बच्चे सिलेबस पर बड़ा है कई होता था, और ये एक्टिविटी करवाए थे सर बच्चे को, जो ग्रुप में बोले थे ना क्वेश्चन ए करके सर। कौन सा? वो बच्चे को ग्रुप ओपन कर दिए थे सर, और कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो लोग सब सॉल्व करके ग्रुप में सेंड किए। कौन सा, कहाँ पर? ये होगा सर 11 मार्च को सेंड किए। 11 मार्च को ये देखें। क्या पूछे थे बच्चों से? बच्चे को कुछ क्वेश्चन दिए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अच्छा, और वो सब सारे सॉल्व करके सेंड किए थे ग्रुप में, हॉलीडे था सर। अच्छा, जैसे MCA एंट्रेंस को लेकर के हम इस बार बहुत अभियान चलाए। यस सर, बच्चे लोग को हम लोग इस बार फॉर्म भरने के लिए एक्टिवेट किए, बच्चे लोगों को हम लोग मैथ्स को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के हम लोग बहुत किए। तो हम बहुत क्यूरियस हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ निकाल पा रहे हैं, कोई NIT में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई IIIT में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, BHU में जा रहा है या JNU में जा रहा है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हैदराबाद वगैरह उस सब में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमारे पुराने बच्चे इन सब जगहों पे गए हैं, और हम चाहते हैं कि मैं, क्योंकि अब सिंपल BCA करके करियर नहीं बनेगा, अब स्पेशलाइज्ड आपको मास्टर डिग्री भी चाहिए और स्पेशलाइज चाहिए। फॉर्म फिलअप किए हैं सर, फॉर्म फिलअप किए हैं। NIMCET का कब एग्ज़ाम? NIMCET का भी नहीं है, डेट नहीं आया है। फॉर्म तो आ गया होगा। हाँ फॉर्म आया होगा, क्यूवेट का वो लोग दिए हैं एग्ज़ाम पिछले मंथ था। NIMCET 2024 एग्ज़ाम डेट, एडमिट का रजिस्ट्रेशन 6 मार्च से 20 अप्रैल तक है सर, और एडमिट कार्ड 28 मई से 8 जून है, एग्ज़ाम 8 जून का है। तो इसमें सर अभियान चला दीजिए सर। ठीक सर, ये सर एग्ज़ाम था 19 मार्च को क्यूएट वाला। हाँ, वो बच्चा सेंड किया था CUET का ना? यस सर। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक से पूछा था, मेमोरी, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये सर। हाँ हाँ हाँ, तो निकाल लिया होगा सर। यस सर, सब बताए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी ठीक है, लेकिन NIMCET करवाइए। हाँ, NIMCET का ये फिल करवाएंगे। हाँ, NIMCET भी करवाइए, और इसके माध्यम से क्या है ना, NIT वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, और हम चाहते हैं बच्चा लोग NIT में जाए। आप बच्चों को इसके लिए ध्यान चलाइए। उसका क्लास भी इस बार चल रहा है, क्लास चल रहा है, रीजनिंग का पढ़ाई हो रहा है, मैथ्स का हो रहा है, इसका जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है
सर। अगर इसमें OS वगैरह पूछ रहा है तो उसमें भी पूछेगा। यस सर। तो सब आप लोग एक बार रिफ्रेशर करा दीजिए। यस सर, करवा दे। ठीक है। दो एलुमनाई मीट करवाए थे सर इसमें। अच्छा, तो चार सैटरडे होता है, तो इस बार सर होली था, होली मेला है, लेकिन अब तो नहीं है कोई होली, करवाएंगे तो इस बार चार एलुमनाई मीट होना चाहिए। यस सर, करवाएंगे। ठीक है, सैटरडे को एक एलुमनाई मीट जरूर करेंगे। बच्चों को लाइनअप कर लीजिए। सर ग्रुप में करवाए थे सर, चार अलग अलग एक्सपर्ट था, कोई डेटाबेस में था, कोई नेटवर्क में था। नहीं, वो उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन रखिए। यस सर, एलुमनाई से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी बात होनी चाहिए। यस सर, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रखिए। ठीक है सर, अच्छा है सर, थैंक यू।